शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोका, अल्लाह ने उनके आमाल बर्बाद कर दिए, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और जो किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई उसे मानते रहे, और वो उनके परवरदिगार की तरफ से बरहक है कि जिसने उनके गुनाह दूर कर दिए और उनकी हालत संवार दी। ये आमाल की बर्बादी और इस्लाह हाल इसलिए है कि जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्होंने झूठी बात की पैरवी की, और जो ईमान लाए वो अपने परवरदिगार की तरफ से दीन हक के पीछे चले। इसी तरह अल्लाह लोगों से उनके हालात बयान फरमाता है। बस जब तुम काफिरों से भिड़ जाओ तो उनकी गर्दनें उड़ा दो, यहां तक कि जब उनको खूब कत्ल कर चुको तो जो जिंदा पकड़े जाएं उनको मजबूती से कैद कर लो। फिर उसके बाद या तो एहसान रख कर छोड़ देना चाहिए या कुछ माल लेकर, यहां तक के फरीक मुकाबिल लड़ाई के हथियार रख दे। ये हुक्म याद रखो, और अगर अल्लाह चाहता तो और तरह से इनसे इंतकाम ले लेता, लेकिन उसने चाहा कि तुम में से एक को दूसरे के साथ टकरा कर आजमाए, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उनके आमाल को वो हरगिज जाया नहीं करेगा, बल्कि उनको सीधे रास्ते पर चलाएगा और उनकी हालत दुरुस्त कर देगा, और उनको बहिश्त में जिससे उनको पहले से वाकिफ कर दिया है दाखिल करेगा। ऐ अहले ईमान, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो भी तुम्हारी मदद करेगा और तुमको साबित कदम रखेगा, और जो काफिर हैं उनके लिए हलाकत है और अल्लाह उनके आमाल को बर्बाद कर देगा। ये इसलिए कि अल्लाह ने जो चीज नाजिल फरमाई उन्होंने उसको नापसंद किया, तो अल्लाह ने उनके आमाल अकारत कर दिए। क्या इन्होंने मुल्क में सैर नहीं की ताकि देखते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ? अल्लाह ने उन पर तबाही डाल दी, और उसी तरह का अजाब इन काफिरों को भी होगा। ये इसलिए कि जो मोमिन हैं उनका अल्लाह कारसाज है और काफिरों का कोई कारसाज नहीं। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको अल्लाह बहिश्तों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल फरमाएगा, और जो काफिर हैं वो फायदे उठाते हैं और इस तरह खाते हैं जैसे हैवान खाते हैं, और उनका ठिकाना दोजख है। और बहुत सी बस्तियां तुम्हारी बस्ती से जिसके बाशिंदों ने तुम्हें वहां से निकाल दिया जोर और कुव्वत में कहीं बढ़कर थीं, हमने उनको बर्बाद कर दिया और उनका कोई मददगार न हुआ। भला जो शख्स अपने परवरदिगार की मेहरबानी से खुले रस्ते पर चल रहा हो, वो उनकी तरह हो सकता है जिनके आमाल बद उन्हें अच्छे करके दिखाए जाएं, और जो अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करें, वो जन्नत जिसका परहेजगारों से वादा किया जाता है उसकी सिफत यह है कि उसमें ऐसे पानी की नहरें हैं जो बू नहीं करेगा, और दूध की नहरें हैं जिसका मजा नहीं बदलेगा, और शराब की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए सरासर लज्जत है, और साफ शुदा शहद की नहरें हैं, और वहां उनके लिए हर किस्म के मेवे हैं, और उनके परवरदिगार की तरफ से मगफिरत है। क्या ये परहेजगार उनकी तरह हो सकते हैं जो हमेशा दोजख में रहेंगे और जिनको खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतों को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा? और इनमें बाज ऐसे भी हैं जो तुम्हारी तरफ कान लगाए रहते हैं, यहां तक कि सब कुछ सुनते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास से निकलकर चले जाते हैं तो जिन लोगों को इल्मे दीन दिया गया है उनसे कहते हैं कि भला इन्होंने अभी क्या कहा था? यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा रखी है, और ये अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल रहे हैं, और जो लोग हिदायत याफ्ता हैं उनको वो मजीद हिदायत बख्शता है और उनको परहेजगारी इनायत करता है। अब तो ये लोग कयामत ही की राह देखते हैं कि नागहां इन पर आ वाके हो, सो उसकी निशानियां सामने आ चुकी हैं, फिर जब वो इन पर आ नाजिल होगी उस वक्त इन्हें नसीहत कहां मुफीद हो सकेगी? बस जान रखो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अपने कसूर की मुआफी मांगो, और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए भी, और अल्लाह तुम लोगों के चलने फिरने और तुम्हारे ठिकाने से वाकिफ है। और मोमिन लोग कहते हैं कि जिहाद से मुताल्लिक कोई सूरत क्यों नाजिल नहीं होती, लेकिन जब कोई वाज़े अहकाम वाली सूरत नाजिल हो और उसमें जंग का बयान हो तो जिन लोगों के दिलों में निफाक का मरज है तुम उनको देखो कि तुम्हारी तरफ इस तरह देखने लगे जिस तरह किसी पर मौत की बेहोशी तारी हो रही हो, सो उनके लिए खराबी है। खूब काम तो फर्माबरदारी और पसंदीदा बात कहना है, फिर जब जिहाद की बात पुख्ता हो गई तो अगर ये लोग अल्लाह से सच्चे रहना चाहते तो इनके लिए बहुत अच्छा होता। सो ए मुनाफिको,
अजब नहीं कि अगर तुम हाकिम हो जाओ तो मुल्क में खराबी करने लगो और अपने रिश्तों को तोड़ डालो। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है और इनके कानों को बहरा और इनकी आंखों को अंधा कर दिया है। भला ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफ्र पड़े? जो लोग राहे हिदायत जाहिर होने के बाद पीठ फेर गए, शैतान ने यह काम उनको अच्छा करके दिखाया और उन्हें लंबी उम्र का वादा दिया। ये इसलिए कि जो लोग अल्लाह की उतारी हुई किताब से बेजार हैं, ये उनसे कहते हैं कि बाज कामों में हम तुम्हारी बात भी मानेंगे, और अल्लाह उनके पोशीदा मशवरों से वाकिफ है। तो उस वक्त इनका कैसा हाल होगा जब फरिश्ते इनकी जान निकालेंगे और इनके चेहरों और पीठों पर मारते जाएंगे? ये इसलिए कि जिस चीज से अल्लाह नाखुश है ये उसके पीछे चले और उसकी खुशनूदी को अच्छा ना समझे, तो उसने भी इनके आमाल को बर्बाद कर दिया। क्या वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है ये ख्याल किए हुए हैं कि अल्लाह उनके कीनों को जाहिर नहीं करेगा? और अगर हम चाहते तो वो लोग तुमको दिखा भी देते और तुम उनको उनके चेहरों ही से पहचान लेते, और तुम उन्हें उनके अंदाज़े गुफ्तगू ही से पहचान लोगे, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से वाकिफ है। और हम तुम लोगों को आजमाएंगे ताकि जो तुम में जिहाद करने वाले और साबित कदम रहने वाले हैं उनको मालूम करें और तुम्हारे हालात जांच लें। जिन लोगों को सीधा रास्ता मालूम हो गया और फिर भी उन्होंने कुफ्र किया और लोगों को अल्लाह की राह से रोका और पैगंबर की मुखालफत की, वो अल्लाह का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे और अल्लाह उनका सब किया कराया अकारत कर देगा। मोमिनों, अल्लाह का हुक्म मानो और पैगंबर की फरमाबरदारी करो और अपने आमाल को जाया ना करो। जो लोग काफिर हुए और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोकते रहे फिर काफिर ही मर गए, अल्लाह उनको हरगिज नहीं बख्शेगा। तो मुसलमानों, तुम हिम्मत ना हारो और दुश्मनों को सुलह की तरफ न बुलाओ, और तुम ही गालिब रहोगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है, वो हरगिज तुम्हारे आमाल को कम और जाया नहीं करेगा। दुनिया की जिंदगी तो महज खेल और तमाशा है, और अगर तुम ईमान लाओगे और परहेजगारी करोगे तो अल्लाह तुमको तुम्हारा अज्र देगा और तुमसे तुम्हारे माल तलब नहीं करेगा। अगर वो तुमसे माल तलब करे फिर तुम्हें तंग करे तो तुम बुखल करने लगो और वो बुखल तुम्हारे कीने जाहिर करके रहे। देखो, तुम वो लोग हो कि अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाए जाते हो, तो तुम में ऐसे शख्स भी हैं जो बुखल करने लगते हैं, और जो बुखल करता है अपने आप से बुखल करता है, और अल्लाह बेनियाज है और तुम मोहताज। और अगर तुम फिर जाओगे तो वो तुम्हारी जगह और लोगों को ले आएगा, फिर वो तुम्हारी तरह के नहीं होंगे।